लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक एवं सांसद हमीरपुर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके चहेतों पर भगवान कृष्ण को अपमानित करने पर सवाल खड़े किए हैं। अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगते हुए कहा कि इस तरह की पोस्ट अपने आप में बड़ा कलंक है। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि एक ओर तो मानसरोवर और चीन जाने का प्लान राहुल गांधी बनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके गुर्गे देश की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। दुख इस बात का होता है कि कुछ राहुल गांधी के चहेते जन्माष्टमी वाले दिन भी भगवान कृष्ण को अपमानित करने से नहीं छोड़ते, गोपियों को नग्न अवस्था में दिखाकर ऐसी पोस्ट डालकर जो मुझे लगता है मानसिक तौर पर हिल चुके हैं। क्या राहुल गांधी जी हिंदू होने का ढोंग करते हैं? क्या जिस तरह से उनके चहेते भगवान कृष्ण को अपमानित करते हैं, इस देश की महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनको एक तरह से गाली निकालते हैं, आज तो सारी हदें पार कर गए। पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, उत्साह में है, और दूसरी ओर इस तरह की पोस्ट अपने आप में एक बड़े कलंक की तरह है। क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? क्या सोनिया गांधी जी इसका जवाब देंगी? क्या वो भगवान कृष्ण के खिलाफ हैं? क्या वो महिलाओं के खिलाफ हैं? इसके ऊपर देश को जवाब चाहिए। ये चुप रहकर काम नहीं चल सकता। एक तरफ कैलाश मानसरोवर की यात्रा और चीन जाने का प्रोग्राम, और दूसरी ओर अपने गुर्गों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से इस देश की संस्कृति पर प्रहार करना, भगवान कृष्ण पर प्रहार करना, ये उचित नहीं है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूर्व सीपीएस एवं ज्वाली के विधायक रहे नीरज भारती ने फेसबुक पर भगवान कृष्ण को लेकर अश्लील पोस्ट डाली थी, जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ा एतराज जताया है।